हम लोग पिछले वीडियो में झारखंड के प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा कर रहे थे और उस वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड का कौन कौन सा स्थल है जो कि प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात प्री हिस्ट्री से संबंधित है और उनमें से कौन कौन से प्रश्न में पूछे गए हैं स्थान, वो भी हम आपको बताने का प्रयास किए ताकि जब भी आप टेस्ट दे रहे हो या नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो वो चीज आपके दिमाग में रहे कि अगर रिपीट हो जाता है वो स्थान तो आप उसको याद कर सके। आज इसी का जो अगला टॉपिक है जो कि बहुत छोटा टॉपिक है आदि ऐतिहासिक काल, इसके बारे में ज्यादा यहाँ पे हम लोगों को नहीं पढ़ना लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी लेना है। इसके अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं उसका विशेषता क्या है और दूसरा चीज उस समय के जो यहाँ के जनजाति थे उनका जो संपर्क था कैसे ईरान इराक मेसोपोटामिया सीरिया का जो दमिश्क है वहां तक ये लोग अपने हथियार को भेजते थे और देश के दूसरे हिस्से से जैसे कि सिंधु सभ्यता से इनका कैसा संबंध था, कांस्ययुगीन सभ्यता के बारे में क्या कहा गया है झारखंड के लोगों को के संबंध में, ये सब सारा चीज आज इस छोटे से वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको पिछला दो वीडियो जो है या तीन वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा और वहाँ पे आपको हर समय बताया जा रहा है कि यहाँ पे डिटेल वाइज हम लोग चीजों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीरीज से आपको फायदा हो रहा होगा और बार बार आपको कहा जाता है अगर शॉर्टकट में आपको देखना है तो माइंड मैप वाला सीरीज आप देख सकते हैं। तो आज हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है प्रोटो हिस्ट्री के बारे में और प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है ये सब थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे और उसके बाद झारखंड में इस आदि संस्कृति का क्या विशेषता मिला है उसको हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं झारखंड का इतिहास, तो अपने आपको झारखंड के इतिहास में ही थोड़ा सा केंद्रित रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि प्रोटो हिस्ट्री होता क्या है, तो आपको बताया गया था प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल हम किसको कहते हैं जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होता है, जो भी पुरातात्विक अवशेष होते हैं या चित्रकारी जो गुफा में मिलता है या जीवाश्म जो मिले हैं उसी के आधार पर उस समय के जीवन शैली को हम जानने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से प्रोटो हिस्ट्री आदि इतिहास इसको अगर तोड़िएगा तो समझिएगा थोड़ा सा आधा इतिहास, मतलब यहाँ लिपि लेखन मौजूद था लेकिन उसको पढ़ पाना संभव अभी तक नहीं है या पढ़ भी पाया है तो पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया। जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग कहते हैं कि वहां पे जो चित्रात्मक लिपि था जिसको बुसरोफेदन लिपि के नाम से भी हम लोग जानते हैं वो लिपि को अभी तक यहाँ पे पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सकता। कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री है उसमें देखने को मिलता है कि उसको कई इतिहासकार जो है अब ये दावा कर रहे हैं कि हम पढ़ पा रहे हैं लेकिन पूरी तरह से पढ़ पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, बेसिक सा आइडिया है कि कभी आपको कहीं जरूरत पड़ जाए तो बस इतना याद रखना है कि आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री हम किसको कहते हैं जिसमें लिपि लेखन मौजूद था लेकिन उसको पढ़ पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है या बेहतर तरीके से या पूरी तरह से अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। दूसरा चीज यहाँ पे दिया गया है कि आपको इस आदि इतिहास में एक विशेषता देखने को मिलेगा और वो विशेषता क्या है कि यहाँ पे हम लोग पत्थर का प्रयोग के साथ साथ यहाँ धातु के प्रयोग को भी देखने शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपको जब हम पाषाण काल बता रहे थे आपका प्राग ऐतिहासिक में तो तीन काल में उसको बांटे थे जिसमें आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल था और नवपाषाण काल से अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपको आगे बढ़ रहे हैं और नवपाषाण काल में एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। वो ट्रांजिशन किसके संदर्भ में था तो औजार के संबंध में। पहले लोग जो औजार था वो पत्थर से बनाते थे लेकिन अब जो औजार यहाँ पे बनाना शुरू किए किससे बनाएंगे, धातु से बनाएंगे और वो कौन सा धातु है ये भी हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है। तो धातु काल का जो प्रारंभ है वो इसका आदि इतिहास काल से ही माना जा सकता है और नवपाषाण के काल में जिस धातु का प्रयोग किया गया था पहली बार उस धातु का नाम था तांबा और इसीलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि तांबा और पत्थर दोनों को मिला के औजार बनाए गए थे या केवल तांबे के भी कई सारे औजार यहाँ पे देखने को मिलते हैं झारखंड में कहाँ कहाँ मिला है वो भी हम आपको अभी बताने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए इस संस्कृति को एक और नाम दिया गया जिसको हम लोग ताम्रपाषाणिक संस्कृति या चालकोलिथिक कल्चर के नाम से जानते हैं। और ये जो संस्कृति वो कहाँ पाया जाएगा तो जो सिंधु एरिया है सिंधु क्षेत्र एरिया है उसके बाहर जो ग्रामीण क्षेत्र पनप रहा था वहां देखने को मिलता है। जैसे अभी होता है ना कि कोई भी जिला हो गया तो जिला का जो मेन सेंटर रहता है वहां थोड़ा डेवलपमेंट ज्यादा देखने को मिलता है लेकिन जिला से आप 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर आप अंदर चले जाइए तो वो काफी ग्रामीण इलाके और थोड़ा पिछड़े देखने को मिलते हैं शहर के तुलना में। तो उस तरह से जो सिंधु क्षेत्र है वो हम जानते हैं कि सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है वो शहरी सभ्यता था और वो काफी विकसित माना जा सकता है लेकिन उसके संलग्न या उसके चारों ओर जो लगे हुए क्षेत्र थे उनमें से कई ऐसे इलाके थे जो कि ग्रामीण इलाके थे और उतना ज्यादा डेवलप नहीं था जिसको हम लोग ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जानते थे। इसके बारे में कहा जाता है सबसे पहले मनुष्य ने
तांबे के बारे में, तांबे का प्रयोग किया, फिर कांसा का प्रयोग किया और अंततः लोहा का प्रयोग किया गया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तांबा मिलता है, तांबा के बाद टीना मिल जाता है। अफगानिस्तान में आप जाइएगा तो टीना मिल जाएगा और राजस्थान में खेतरी जो जगह है वहां तांबा मिल जाएगा और भी झारखंड में भी तांबा मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे तांबा जब मिल जाएगा और टीना मिल जाएगा दोनों, तो दोनों के मिलने से यहाँ पे या दोनों को मिला देंगे तो एक मिश्र धातु बनता है जो कि कांसा होता है। और कांसा से बना हुआ कई सारा मूर्ति जो है हमको सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक स्थल में मिले हैं और इस तरह से उसको हम लोग काशयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तो उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर बता पाइएगा, तांबे का। और उसके बाद किस चीज का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे कांसे का। और कांसा कैसे बनता है, तो तांबा और टीना को मिलाने से। बाद में जब सिंधु सभ्यता समाप्त हो जाएगा, वैदिक काल आएगा और वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल यानी बाद का जो वैदिक काल आएगा जिसको हम 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500-600 ईस्वी पूर्व तक रखते हैं, वहां लोहा का प्रयोग होगा। और जैसे लोहा का प्रयोग किया जाएगा वैसे और भी कई क्रांतिकारी आपको परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि वैदिक काल में अगर हम लोगों को जानना होगा तो कभी हम लोग वहां पे जानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं काशयुगीन है ना या ताम्रपाषाणी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा विशेषता जो झारखंड के बारे में दिया गया है वो देखते हैं, क्योंकि स्पेशली हम लोगों को पढ़ना है झारखंड और आपको झारखंड का इतिहास को हम भारतीय इतिहास से रिलेट करके भी बताने का प्रयास करें ताकि चीजों को समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। तो जैसे काशयुगीन या प्रोटो हिस्ट्री के बारे में आपको हम बताएं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो अवशेष है या इसके संबंध में झारखंड में क्या जानकारी हमको प्राप्त होता है, तो कहते हैं इस काल का जो केंद्र बिंदु था यानी ताम्र जो पाषाण काल का संस्कृति था उसका जो केंद्र बिंदु था या जिसको हम लोग आदि इतिहास कह रहे हैं ना, उसका जो केंद्र बिंदु था वो कौन सा था, तो ये जो था आपका कौन हो जाएगा आपका यहाँ पे है ना, ये जो हो जाएगा आपका सिमुम हो जाएगा, ये जो एरिया है आपका यहाँ पे कौन हो जाएगा सिमुम एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सिमुम में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पश्चिमी सिमुम भी आ जाएगा, पूर्वी सिमुम भी आ जाएगा और सरायकेला खरसावां को भी आप ले सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए ये वर्तमान समय में ये विभाजन किया गया है लेकिन पहले तो इस तरह से नहीं विभाजन किया हुआ था, तो हम मोटा मोटी मान सकते हैं कि कुछ क्षेत्र जो है यहाँ पे उड़ीसा का भी आ गया होगा, कुछ क्षेत्र जो है बंगाल का भी यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आता होगा इस काल के अंतर्गत। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि जो सिमुम का इलाका था वो झारखंड का ताम्रपाषाण संस्कृति का केंद्र बिंदु था, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इधर नहीं मिलेगा या इधर भी मिलेगा लेकिन जो मेन सेंटर बोलते हैं ना इसे जिला का मेन है ना जो मुख्यालय होता है उस तरह से यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये जो है वो मेन सेंटर था किसका, ताम्रपाषाण संस्कृति था इसके का। अब इसके बारे में एक चीज और बताया गया है, यहाँ पे आपके तीन जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है, असुर, बिरहोर और बिरजिया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग तांबा गलाने में और उससे संबंधित उपकरण बनाने में बहुत ज्यादा निपुण थे या इस कला से परिचित थे और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे काशयुगीन सभ्यता, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसी की तरह यहाँ पे भी एक सभ्यता चल रहा था जिसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति के तौर पर जानते हैं और उसका केंद्र बिंदु जो था वो सिमुम था। मतलब यहाँ के लोग या यहाँ के जो आदि मानव थे, आदि मानव बोलते हैं यहाँ के जो जनजाति थी जिसको अभी कई जनजातियों को आदिम जनजाति के तौर पे यहाँ पे रखा भी गया है, तो उन जनजातियों के बारे में कहा गया है इनको यहाँ पे तांबा से कैसे उपकरण या औजार बनाना है उसकी तकनीक पता था, उसका तकनीक पता था और ये औजार बनाते थे और दूसरे जगह भी भेजते थे जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अब ये हम कैसे कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को इस तरह के तकनीक की जानकारी थी, तो यहाँ पे कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। झारखंड में कई जगह यहाँ पे तांबे के कुल्हाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे और हजारीबाग में तो एक जगह दिया है बहरागंडा, उसमें बताया गया 49 खान मिले हैं जो कि ताम्रपाषाण से या तांबा से बने हुए कुल्हाड़ी यहाँ पे इन खानों में प्राप्त हुए हैं। सवाल एक आया था जिसमें पूछा गया था कि करहबाड़ी, बादम और रामगढ़ और एक और कोई ऑप्शन था कौन जो है ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो जो चौथा ऑप्शन था वो संबंधित नहीं था और बाकी तीन जो ऑप्शन है वो ताम्रपाषाण काल से क्या है संबंधित है, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, करहबाड़ी, बादम और रामगढ़। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र है वो आपका ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आगे भी हो सकता है पूछा जाएगा तो इसको आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हम हर एक स्लाइड में यहाँ पे PYQ लिख दिए हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, जब माइंड मैप से हम यहाँ पे आप चीजों को बताया वहां पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिए,
ताकि आपके दिमाग में हम बार बार करते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा तो आपको पढ़ने में सुविधा हो जाएगा। भले यहाँ पे डिटेल में चीजों को हम समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्ट यहाँ पे सवाल में पूछा जाता है और कौन सा पूछा नहीं जाता है। कुछ चीज समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, कुछ चीज याद करने के लिए या रटते हैं हम इसलिए ताकि वो चीज जो है एग्जाम में आएगा तो हम उसको बना पाएंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग काशीयुगीन सभ्यता के बारे में देखते हैं। काशीयुगीन सभ्यता, जैसे कि आपको बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में, या जिसको अभी हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता हम लोग कह रहे हैं, उसमें कांसा के काफी मूर्ति मिला था जो कि तांबा और टीना से मिलने से बनता है, तो इसीलिए इसको काशीयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसी से जो किनारे किनारे लगे हुए क्षेत्र थे वो ग्रामीण सभ्यता थे, और कई यहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृति भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें एक जो है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति भी है। अब ये क्यों हम बता रहे हैं, यहाँ एक जगह है खेतरी, अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा धुंधला है ना, राजस्थान में पड़ता है खेतरी, यहाँ पे तांबा का खान है, और झारखंड में भी आप जानते हैं सिमू में तांबा का खान आपको देखने को मिलता है। तो ये जो खेतरी था वहाँ तांबा मिलता था, और इधर जो अफगानिस्तान है पाकिस्तान से सटा हुआ है उधर, है ना, उत्तर में कश्मीर से उधर देखिएगा तो वो लगा हुआ है, 106 किलोमीटर सीमा रेखा है, तो वहां पे जो है वो टीना मिलता था। अब समझिए अफगानिस्तान से टीना मिल रहा है और यहां से तांबा मिल रहा है, ये दोनों को मिला दिया जाएगा तो यहाँ पे ही तो ये जो पाकिस्तान का मुख्य बिंदु है और ना भारत का जो ये पंजाब वाला जो इलाका है वही तो सिंधु घाटी सभ्यता का मेन सेंटर रहा था। तो यहाँ पे समझिए इधर से तांबा मिल रहा है और इधर से टीना मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कांसा मिलेगा, दोनों को मिला दिया जाएगा और एक मिश्र धातु बनाया जाएगा जिसको हम लोग कांसा के नाम से जानते हैं, और इसीलिए इसको काशीयुगीन सभ्यता भी एक नाम दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के जो असुर और दिर्जिया जनजाति को काशीयुगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। तो समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग भारत का सबसे प्रारंभिक विकसित शहर के तौर पे जानते हैं, और वहां पे मुख्य चीज जो मिला है वो कांसा से संबंधित है, और उस कांसा के मूर्ति का जो निर्माण है वो कहाँ के लोगों के द्वारा किया गया, तो झारखंड के लोगों के द्वारा किया गया ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। कि ये जो कांसा बनाने की प्रक्रिया थी वो जो है शुरुआत जो करता है वो कौन लोग करते हैं, तो छोटा नागपुर क्षेत्र के जो असुर और बिरजिया लोग थे वही लोग इनको, है ना, प्रारंभ किए थे ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग भारतीय इतिहास को झारखंड के इतिहास से जोड़ के थोड़ा बहुत देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपको बताया गया था कि लोहा का भी बाद में प्रयोग किया जाएगा उत्तर वैदिक काल में, और इस तरह से चूंकि धातु से संबंधित कई सारी तकनीक यहाँ के लोगों को पता था, तो एक तकनीक जो है वो हम लोग देखते हैं कि लोहा से संबंधित इनको बेहतर जानकारी था, और इसका एक एग्जाम्पल मिलता है टांगीनाथ का लोहा के बारे में। ये टांगीनाथ का जो त्रिशूल है इसके बारे में कहा जाता है या कहा क्या जाता है, आप जाके कभी देखिएगा, इसमें सिंदूर वगैरह, तेल वगैरह, पानी वगैरह हमेशा पड़ते रहता है, हवा वगैरह के संपर्क में रहता है, लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह का कोई जंग लगा नहीं है। तो ये जो है लोहा का क्वालिटी, जैसे हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं ना कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसमें भी अभी तक जो है जंग नहीं लगा है, तो उसी तरह का विशेषता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ के जनजातियों को कुछ तो जानकारी होगा ना, कुछ तो उसके पास टेक्नोलॉजी होगा जो इस तरह का प्रयोग करके यहाँ पे इसको जंग से इसको क्या कर पाए, बचा पाए। अभी हम लोग देखते हैं बिना पेंट किए हुए किसी भी लोहे को या इस्पात को हम ज्यादा दिन तक जंग से सुरक्षित नहीं रख सकते, और इस समय बिना पेंट उंट के ये जो लोहा है वो अभी तक क्या है, सुरक्षित है, किसी तरह का कोई जंग नहीं लगा है। तो जैसा कि आपको बताया गया तांबा का हम लोग प्रयोग करेंगे, तांबा के बाद कांसा आएगा, और कांसा के बाद जो अंतिम समय में आता है जिस धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं लोहा, और लोहा का यूज जो किए थे वो कौन लोग किए थे, आर्य लोग, कब किए थे, उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 से लेके 500-600 बीसी के आसपास। लौह युग के बारे में क्या दिया गया है झारखंड के बारे में वो देखिए, इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, झारखंड में असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए असुर और बिरजिया और बिरहोर ये सब जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, प्राचीन काल से ये रहते आए हैं, और धातु काल से संबंधित या धातु से संबंधित जो भी तकनीक इनको पता था उसी के कारण ये भारतीय इतिहास में अपना जगह बना पाए। और कहा जाता है इनका जो हथियार था वो केवल देश के विभिन्न हिस्सों में नहीं भेजा जाता था बल्कि विश्व के कई हिस्सों में ये भेजा गया है, और वो चीज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एनसीईआरटी से हम यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे आपका मेसोपोटामिया का क्षेत्र है जो कि ईरान इराक का क्षेत्र आता है, और यहीं पे आपको सीरिया आएगा जिसकी राजधानी दमिश्क है। तो इस तरह से यहाँ तक ये लोग अपना औजार को भेजते थे, यहाँ का औजार का जो अवशेष मिला है वो वहां पे भी मिला है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि उनका संपर्क जो था यानी झारखंड में जो संपर्क, झारखंड के लोगों का संपर्क जो था वो देश के ही अलग हिस्से में नहीं था बल्कि यहाँ पे मेसोपोटामिया तक, ईरान इराक तक इनका क्या था, संपर्क था, यहाँ के औजार वहां देखने को हमको मिले। उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, इनका संपर्क जो है
सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे के जो है ना औजार है उसको मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, और दमिश जो कि सीरिया की राजधानी है, लोहे से कई तलवार यहाँ पे निर्माण किया जाता था। तो यहाँ का तलवार भेज दिया या यहाँ का लोहा भेज दिया, और उसके बाद यानी रॉ मटेरियल यहाँ पे भेज दिया, और उसके बाद उसी रॉ मटेरियल से वहां से तलवार वगैरह या औजार जो है वो बनाए जाते थे। तो कहने का मतलब है झारखंड को हम कहते हैं ना बहुत पिछड़ा इलाका है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे है ना हम लोग पिछड़ा पिछड़ा बोल बोल के अति करते हैं, लेकिन प्राचीन काल से समझ लीजिए बहुत सारा तकनीक जो है यहाँ के लोगों को पता था, और ये तकनीक का डिमांड जो था वो विदेशों में था। यहाँ के लोहा को अगर मंगा रहे हैं तो इसका मतलब वहां डिमांड तो था ना, यहाँ का टेक्नोलॉजी का, यहाँ के जो भी है ना धातु है उनका है ना डिमांड था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग जो है प्राचीन काल से ही पिछड़े हुए नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि प्राचीन काल से पिछड़े हुए थे, हम लोगों को कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा डीप जाइएगा ना वैसे वैसे पता चलेगा जिसको हम पिछड़ापन कर रहे हैं ना वो वास्तविक में पिछड़ापन है ही नहीं। ये सब चीज डेवलपमेंट का है ना चीज को बताता है, लेकिन जो होता है ना परिभाषा, आप डेवलपमेंट किसको मान रहे हैं? आप पेड़ काट के है ना बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना देना इसको डेवलपमेंट मान रहे हैं, या पेड़ का सुरक्षा करना और उसके साथ इस तरह के तकनीक के बारे में आपको जानकारी होना, ये आपके विकास का पैमाना है। ये है ना आप तय कीजिए, और उसके बाद देखिए कि हमारा जो झारखंड था वो पिछड़ा हुआ था या विकसित था। अभी जब फैक्ट्री वगैरह लग रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो फिर से लोग कह रहे हैं कि हाँ पेड़ पौधा का पूजा करो, उसको सुरक्षा करो, ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाओ। तो जब आप उस चरण को प्राप्त कर लिए जिसको आप विकास कर रहे हैं, अब उसके बाद फिर से वापस आ रहे हैं कि नहीं हमको पहले के लोग जैसी तरह से पेड़ पौधा का पूजा करते थे उसी तरह से पूजा करना है, और अपने है ना पृथ्वी का रक्षा करना है। तो ठीक है ना, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ ही जाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अभी जो भी आपको हम पढ़ाए पिछले दो क्लास में उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आप कमेंट में बताइए, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हमको अगर समय मिलेगा तो ये बता देंगे, क्योंकि इतना अगर हम पढ़ाए तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन है उसका जवाब आपको आता होगा। अगर पिछला तीन वीडियो आप देखे होंगे, ये मिला के चौथा वीडियो है। हजारीबाग जिले के किस स्थल से आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं? इशाक है इसको, है सिलवारा, रिंगवेश, कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिएगा, और एबीसीडी जो भी होगा। निम्नलिखित में किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र यहाँ पे प्राकृतिक गुफाओं में प्राप्त हुए? भवनाथपुर, गढ़वा, बरवाड़ी, लातेहार, घाटशिला, पश्चिमी सिंहभूम, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जरूर कमेंट में बताइए। दूसरा कुछ क्वेश्चन बैंक है जिसमें एक आध क्वेश्चन को हम यहाँ पे है ना लिए हैं, बाकी क्वेश्चन बैंक का सीरीज है वहां पे आप देख सकते हैं। एसआई में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है या 7वां नंबर ये आया है टेस्ट में, निम्नलिखित में है ना कौन सा साइट है जिसमें झारखंड में ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है? अभी आपको बताया गया था तुरंत करावाड़ी, बादम, रामगढ़ और कुनार। अब आप इसका आंसर बता दीजिए क्योंकि अभी तुरंत इसको हम लोग चर्चा किए हैं। दूसरा यहाँ पे है बर्फ युग आइस युग की गहरी भूमिगत गुफा पाई गई है चाईबासा में, इसको गांव में, डालमी में और आपका दुमका में। ये भी हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं, तो उम्मीद करते हैं इसका भी आंसर आपको पता होगा, और ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि इतना जो अभी पढ़े उसमें याद क्या करना है। तो ये जो माइंड मैप वाला जो सीरीज है वहां पे आप जाके देख लीजिएगा, अभी जो हम लोग पिछले दो वीडियो में चर्चा किए बस ये जो अभी हम राउंड कर रहे हैं वहां पे हम इसको लिखे और इस जगह लिखे। और दूसरा चीज ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको हम यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिए, जहां जहां आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा वहां पे सारा जगह क्वेश्चन क्या किया गया है यहाँ पे आया हुआ है वो पूछा गया। तो इस तरह से आपको डिटेल वाइज भी चीजों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, और शॉर्टकट में माइंड मैप में आपको चीजों को तो एक्सप्लेन कर दिया गया, आप चाहे तो इसको जाके देख सकते हैं, और नहीं तो पीडीएफ अगर इसको लेना है तो पावर पॉइंट का पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दे रहे हैं, वहां पे जाके आप पावर पॉइंट को ये जो पीडीएफ है इसको देख सकते हैं, और यहाँ पे जो लिखा हुआ चीज है उसको आप कॉपी में उतार सकते हैं। अगर आप माइंड मैप अगर नहीं लेना चाहते तो आप इसको उतार लीजिए। हम तो बार बार कहते हैं किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपना खुद से मेहनत करना है, और खुद से मेहनत कीजिएगा तो आपको फायदा भी क्या होगा ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग जो क्लास है उसमें देखेंगे झारखंड प्राचीन काल तो देख लिए, प्रागैतिहासिक काल में भी झारखंड देख लिए, अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय राजवंश। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्षेत्रीय राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये झारखंड के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजवंश है और उसकी क्या विशेषता है, किस तरह से वो लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे, कहाँ से वो लोग आए थे, ये सब सारा चर्चा जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।